नमस्कार, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण वाटिका की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे कि 1 से लेकर 30 सितंबर तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4 सप्ताह में नए नए कार्यक्रम करने होते हैं, तो उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रशिक्षण किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको दूसरा न्यूज़ बताऊंगा जहां से कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE गतिविधि की ट्रेनिंग दी गई। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए, दोनों न्यूज़ आपको बारीकी से समझाऊंगा किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो देखिए, ये जो खबर आ रही है, पहली खबर जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण वाटिका का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण वाटिका निर्माण को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये खबर मोतिहारी से आ रही है, जो कि आज की ही खबर है, 7/9/2021। जैसे कि इस खबर की शीर्षक है, हरी सब्जी शरीर को शक्ति व स्फूर्ति देती है। देख सकते हैं यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी हैं उनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खबर को आइए विस्तार से जानते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण वाटिका निर्माण एवं उसके महत्व को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी एवं CDPO कार्यालय में आयोजित किया गया। देखिए, 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है पोषण वाटिका को लेकर। इस अवसर पर CDPO माधुरी कुमारी ने पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए अपने विचार व्यक्त किया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह ने बताया कि सब्जियाँ न केवल हमारे पोषण मूल्यों को बढ़ाती है, बल्कि शरीर को शक्ति, स्फूर्ति, बुद्धि तथा अनेक प्रकार के रोगों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करती है। तो जो हरी सब्जी है उसमें किस प्रकार से वो फायदेमंद है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोषक तत्व, विटामिन, इन सभी चीज़ों के बारे में आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। जैसे कि भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद के अनुसार प्रतिदिन व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है, जिसमें 115 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां, 115 ग्राम कंद वर्गीय सब्जियां तथा 70 ग्राम दोनों को मिला जुलाकर सेवन करना चाहिए। परंतु हम लोग इतनी सब्जी की मात्रा में सेवन नहीं कर पाते हैं और जो सब्जी का सेवन करते हैं वो पूरी तरीके से बाजार आधारित रहती है, यानी कि रासायनिक खादों के द्वारा उस सब्जी को बढ़ाया जाता है, उसमें उस रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो हमें प्रोटीन मिलने चाहिए वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसी हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण वाटिका के तहत अपने आंगनबाड़ी केंद्रों या जो भी लाभार्थी हैं उनके घर पर हरी सब्जियों का पोषण वाटिका के तहत पौधारोपण कराया जा रहा है, उसी के बारे में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया। तो जैसे कि अब चलिए मैं आपको दूसरा न्यूज़ दिखा देता हूँ जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE के दौरान प्रशिक्षण दिया गया। तो देखिए, वारिस नगर में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6 दिवसीय ECCE प्रशिक्षण शुरू। यानी कि ये जो खबर आ रही है इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं को ECCE प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। जैसे कि यहाँ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अमुई धनहर पर प्रशिक्षण प्राप्त करती आंगनबाड़ी सेविका। तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6 दिवसीय ECCE प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं। प्रखंड क्षेत्र के अमुई धनहर और केंद्र संख्या 26 पर आंगनबाड़ी सेविका को 6 दिवसीय ECCE प्रशिक्षण का शुभारम्भ सोमवार से किया गया। यानी कि ये जो खबर आ रही है वो सोमवार 6 तारीख से इस कार्यक्रम को शुभारम्भ कर दिया गया है। इसमें एक केंद्र पर 40 सहित दोनों केंद्र मिलाकर 80 आंगनबाड़ी सेविका ने भाग लिया। जैसे कि 2 आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कि 40-40 आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। अमोही धनहर पर मास्टर ट्रेनर
अनिता कुमारी, पूनम कुमारी व केंद्र संख्या 26 पर बबीता कुमारी व इंदिरा कुमारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया। देखिए इस प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या बातें समझाई गई। ECCE प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक व बौद्धिक विकास, बाल विकास सेवाओं का नवीन स्वरूप, बाल मन का अवलोकन, खेल खेल में शिक्षा, केंद्र संचालन करने का समय ध्यान रखने एवं शिशु विकास कार्ड का संरक्षण करने जैसे विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराई गई। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि ECCE कार्यक्रम 6 महीने और 1 साल के लिए जो डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो ECCE कार्यक्रम है वो बच्चों के बौद्धिक विकास और केंद्र संचालन करने हेतु और जो भी बच्चे हैं उनको किस प्रकार से उनको खेल खेल में शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए यहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई। जैसे कि अनिता कुमारी ने बताया कि प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे हर केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वतंत्र खेल, सामूहिक खेल, बाहरी खेल एवं रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जानी है। शिक्षा की समस्त गतिविधियां केंद्रों के माध्यम से ही बच्चों को दी जानी है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षा एवं अन्य गतिविधियां संबंधी जानकारी दी गई। मौके पर सुधा कुमारी, जो भी ये सेविका का नाम दिया गया है, ये सभी लोग इस प्रशिक्षण में शामिल हुई। ये न्यूज़ समस्तीपुर भास्कर से आ रही है, जो कि आज ही 7/9/2021 को इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। दैनिक भास्कर में ये खबर प्रकाशित हुई है। तो मैंने आप सभी को इसी प्रशिक्षण के बारे में और जो पोषण वाटिका का जो प्रशिक्षण दिया गया है उसके बारे में आपको एक न्यूज़पेपर के माध्यम से क्लियर जानकारी दे दिया है कि किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।